हेलो कॉम्बिट फैमिली, सो हियर आर मारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का एनवायरमेंटल स्टडीज, एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फॉरेस्ट एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो ऑलरेडी हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एंड उसमें हमारा वाटर, फॉरेस्ट, एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड किस तरीके से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, ठीक है। सो पहले हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में, देन उसके बाद फॉरेस्ट एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। सो आज की वीडियो में जो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन वाटर रिसोर्स। आपको पता ही होगा क्या होता है वाटर, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वाटर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न किस तरीके से रहता है, वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन, किस तरीके से हम को कंजर्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं इंट्रोडक्शन। नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लेटेड वेरी फास्ट। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत तेजी से डिप्लेट हो रहे हैं, ठीक है। इन द 20th सेंचुरी रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड मेटलिज्म इंक्रीज द डिमांड फॉर वाइड वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज। सो हम 20th सेंचुरी की अगर बात करें तो 20th सेंचुरी में जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंडिया की भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से जो कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड है, उसकी जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कल्चर जो चेंज हो रहा है कंज्यूमर्स का और मेटेलिज्म का लेकर, उसको लेकर डिमांड जो है लोगों की वो बहुत ज्यादा हाई हो रही है। अब वो डिमांड कैसे फुलफिल होंगी, जब वो रिसोर्सेस का यूज करेंगे, इससे रिसोर्सेस जो है वो यूज में आते हैं। सेकेंडली सोफिस्टिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज द रेट एंड स्केल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। दूसरी चीज क्या है, जो टेक्नोलॉजी है उससे क्या हुआ है, रेट और स्केल जो है उसका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है रिसोर्सेस का, कि किस रेट से वो इंक्रीज हो रहे हैं यूज उनके एंड किस स्केल पर वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर बोला है, इन द पास्ट इट कुड टेक लॉन्ग आवर्स जस्ट टू कट डाउन वन ट्री ओनली यूजिंग सॉ, बट नाउ विद इन फ्यू मिनट्स लॉग आर पाइल्ड अप ऑन द ग्राउंड। जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी की वजह से रिसोर्सेज जो है उनका बहुत ज्यादा तेजी से रेट हाई हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, जैसे अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या होता था, अगर किसी को एक पेड़ काटना है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है, उसको काटने में। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। बट अगर हम अब की बात करें तो अब क्या है, कुछ ही मिनट में, यहाँ पर बोला है कि कुछ ही मिनट में ग्राउंड पर पूरे के पूरे वो पेड़ गिरा देते हैं, लट्ठे गिरा देते हैं, मतलब कि एक मिनट में ही बहुत सारे ट्रीज इतनी जल्दी कट जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज जो है हमारे वो तेजी से खत्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है और वैसे वैसे रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। विद द सेम रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मैनी रिसोर्सेज विल बी डिप्लेटेड और रीच टू द स्टेज ऑफ एक्सटेंशन। अब यहाँ पर क्या बोला है कि अगर इसी रेट से एक्सप्लॉयटेशन होता रहा तो इसमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और कुछ तो ऐसे हैं जो एक टाइम के बाद खत्म ही हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज का यूज जो है वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर करना है, कि कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम बहुत ज्यादा जब यूज करें तो वो उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक टाइम के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर उनका एंड हो जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन इज डिफाइंड एज केयरफुल एंड रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर प्रिजर्वेशन फ्रॉम रेकलेस। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, हमने देखा कि पहले तो हम रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि केयरफुल, ध्यान से एंड रेशनल, समझदारी से हम नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करें एंड उनको प्रिजर्व करें रेकलेस होने से, ठीक है, कि वो जो खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनको खत्म होने से उनको प्रिजर्व कर सकें, सेव कर सकें, उनका अच्छे से यूज करके, कि अगर
कहीं पर हमें चार चीजें यूज करनी है तो उसकी जगह हम छह चीजें ना यूज करें, दो चीजों को वेस्ट ना करें, समझदारी से यूज करें, सही से यूज करें, ये ध्यान में रखते हुए कि नेचुरल रिसोर्सेज भी एक टाइम के बाद जाकर खत्म हो जाएंगे एंड एक टाइम के बाद जाकर वो डिप्लेट होना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। देन हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल एंड फूड, फूड की, फ्यूल की एंड इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज को कम करना। देखा होगा आपने इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो अब तो बिल जब आता है इलेक्ट्रिसिटी का ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोग ध्यान रखते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको उसकी भी परवाह नहीं होती है। जैसे अगर आपके घर में चार रूम है, ठीक है, तो अगर सिर्फ एक रूम में सारे लोग बैठे हैं, ठीक, तो बाकी के जो तीन रूम है उसमें से दो की लाइट ऑन है, एक का फैन भी चल रहा है, ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, ये एक वेस्टेज हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। फूड हो गया कि भाई अगर हमने आज कोई एक सब्जी बनाई थी एंड दूसरे टाइम में हम दूसरी सब्जी बना रहे हैं, तो वो जो पहले वाली सब्जी है उसको नहीं खाएंगे, उसको फेंक देंगे, तो ये वेस्टेज हो गई। ठीक है, तो इसको हम कम कर सकते हैं एंड कम करके हम इन रिसोर्सेस को सेव कर सकते हैं। इनकरेज द यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। सो एनर्जी के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो इसमें बोला है कि हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं उनको यूज करें, या रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं एनर्जी के, उनको यूज करें। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, सोलर हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, तो सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो एक टाइम तक हमें मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए, तो हम कोशिश करें कि उस चीज को यूज करें। एस्टैब्लिश सेंचुरीज फॉर एंडेंजर्ड वाइल्डलाइफ, जो एंडेंजर्ड वाइल्डलाइफ है उनके लिए सेंचुरीज बनाएं ताकि वो खत्म ना हो। स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एरियाज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जहां पर बहुत ज्यादा अच्छी है, रिच एरिया है, वो वहां का एक्सप्लॉयटेशन स्टॉप करें, खत्म करें। प्रमोट द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है उसका हम डेवलपमेंट करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको प्रमोट करें। ठीक है, इनकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को लगाएं, ये तो भाई बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हर किसी को पता होती है, हर कोई बताता है कि भाई जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ हो सके वो लगाओ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर हमें पेड़ों की कमी महसूस होगी एंड वो टाइम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, रिड्यूस यूजेज ऑफ प्लास्टिक सिंस इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक बैग्स बैन हो गए थे, ठीक है, बट लोग उसको फिर भी यूज कर रहे हैं, तो प्लास्टिक को जितना कम से कम हो सके हम उसको कम से कम यूज करें। एंड क्यों, क्योंकि ये जो है नॉट बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, एनकरेज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को एनकरेज करें, बढ़ावा दें कि हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से करें। ठीक है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शुड बी क्लोज्ड, जो इंडस्ट्रीज को पॉल्यूट कर रही है जो चीजें उनको खत्म करना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। डिस्करेज हार्मफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग, हार्मफुल इंजीनियरिंग जो है उसको खत्म करना चाहिए। रिसाइकल गार्बेज, गार्बेज जो है कचरा, जो वेस्टेज हम करते हैं चीजों की, उसको हम रिसाइकल करें कि एक चीज अगर हमारी, एक चीज को हमें यूज करना था, हमने उसका यूज कर लिया, अब उसको हम दूसरे किसी चीज के लिए यूज कर ले, वो रीयूज हो गया एंड रीयूज होने के बाद उसको फिर से रिसाइकल कर ले। ठीक है, तो इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको सेव कर सकते हैं एंड इनसे हम थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें आगे के टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वाटर इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स वाइटल फॉर सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। वाटर एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है सारी ही लाइफ के लिए। अर्थ पर जितने भी लाइफ होती है, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, कुछ भी हो, उन सारी लाइफ के लिए वाटर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम एंड स्पेस, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता कि भाई आपको एक दिन में इतना पानी मिलेगा, एक घंटे में इतना पानी मिलेगा,
ऐसे यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स सिंपल बेनिफिट एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट्स एक्सेसिव शॉर्टेज एंड क्वालिटी डिट्रॉशन, वाटर एज अ रिसोर्स रिक्वायर स्पेशल अटेंशन. अब किस वजह से कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं एंड इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं शॉर्टेज की वजह से या क्वालिटी की वजह से, तो वाटर जो हमारा रिसोर्स है उसको हमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि अगर वाटर को कोई भी खतरा होगा, यानी कि अगर हमें वाटर की शॉर्टेज होगी, हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी पीने के लिए, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. ऑन द ग्लोबल स्केल द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मूव्स इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वाटर इन ऑल द फोर स्फीयर ऑफ एनवायरमेंट, सोलर एनर्जी इनिशिएट वाटर साइकिल. आप यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो ग्लोबल स्केल में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रिलेटेड होता है वाटर से, हाइड्रो मींस वाटर से रिलेटेड है, ठीक है. तो ये इसमें क्या दिखाते हैं कि भाई जितने भी हमारे फोर स्पेयर है एनवायरमेंट के, उसमें क्या क्वांटिटी है वाटर की, ठीक है, एंड किस तरीके से इसका साइकिल चलता है. अब वाटर साइकिल चलता कैसे है, वो चलता है सोलर एनर्जी से. कैसे इनिशिएट होता है, सोलर एनर्जी से. कैसे, कि भाई अगर हमारा वाटर जो अर्थ पर है, लैंड पर है, तो वो क्या होगा, जब सन की सनलाइट पड़ेगी वो वेपर बन के ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर से नीचे आता है. इस तरीके से जो प्रोसेस चलता है उसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं. Evaporation from surface water bodies like ocean, river and lakes and transpiration from plant result in cloud formation. कि भाई बारिश जो होती है तो क्लाउड कैसे बनते हैं, Evaporation होता है सरफेस जो वाटर बॉडीज है, जैसे ओशन हो गया, ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लो ये ओशन है, ठीक, अब यहाँ पर सन है, ठीक, अब इसकी सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ से वाटर वेपर बन के जो पानी है वो जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है. अब उस पानी से क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, एंड देन उसमें पानी इकट्ठा हो गया, फिर बारिश होती है तो वो फिर से नीचे आ जाता है. इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है. व्हेन दीज मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड कम क्रॉस द कूल एयर, कंडेंसेशन टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर एंड देयर अकर रेनफॉल और स्नोफॉल. अब जो अभी मैंने बोला कि भाई अगर वहां पर मॉइस्चर होता है, क्लाउड जो होते हैं, अब अगर वो कहीं ठंडी हवा में आते हैं, ठीक है, ठंडी हवा उनको मिलती है तो वहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है और उसकी वजह से फिर वहां पर क्या होता है, रेनफॉल होती है, ठीक है. जैसे एवापोरेशन कब होता है, जब हीट हुई, ठीक है, वाटर को हीट मिली, सनलाइट मिली, तो एवापोरेट होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा. अब जब वहां पर ठंडी हवा मिलेगी तो वो पानी बनकर नीचे आ जाएगा, जैसे आपने कुकर में देखा होगा, प्रेशर कुकर जो होता है, तो कुकर में क्या होता है, अगर आप कभी उसमें गैस बनी हुई है, ठीक है, उससे सीटी निकालते हो, अगर आप एक स्पून लेते हो, बड़ा स्पून लोगे एंड देन उसकी सीटी पर लगा के उसकी गैस निकालोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जब पूरी गैस उसकी सारी निकल जाएगी तो उस स्पून में थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है. तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो है, प्रेशर कुकर के अंदर जो था वो बहुत ज्यादा गर्म था, वो भाप बनी हुई थी, ठीक है. अब जैसे वो बाहर निकला, उसको ठंडी हवा मिली, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें हमारा ट्रांसपिरेशन और कंडेंसेशन आ जाएगा, एंड सबसे पहले क्या होता है, एवापोरेशन होता है. ये तीनों प्रोसेस ध्यान रखने, एवापोरेशन एंड देन ट्रांसपिरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन. समझ में आ गया किस तरीके से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्क करता है. एंड नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, वाटर जो है उसको किस तरीके से पूरे हमारा जो ग्लोब है उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. अर्थ इज कॉल्ड वेट प्लैनेट, अर्थ को हम वेट प्लैनेट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, वेट मीन्स गीला. तो अगर आपने अर्थ का जो ग्लोब होता है उसका देखा होगा तो उसमें आप देखोगे कि ज्यादातर जो है वो आपको ब्लू देखने को मिलेगा, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है. तो पानी जो है हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको वेट प्लैनेट बोला है. बट द टोटल volume of water available on the earth 97% is in vast ocean, leaving only 3% as fresh water, of which slightly over 2/3 is frozen in glacier and polar ice cap. आप देखो पानी तो बहुत है, बट यहाँ पर क्या बोला जाता है कि भाई पानी को सेव करो, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए पानी को बचा के रखो. अब भाई इतना ज्यादा पानी है तो पानी को बचा के रखने की क्या जरूरत है. सो
इसलिए जरूरत है क्योंकि 97% जो पानी है वो कहाँ पर है, ओशियंस में है। ठीक है, देखा होगा आपने अगर ग्लोब देखोगे पूरा, या फिर अगर मैप भी देखते हो आप, उसमें आप देखते हो कि ग्रीन जो है वो थोड़ा सा है बट ब्लू बहुत ज्यादा है, पानी जो है वो सारे ओशियंस है। तो ओशियन 93% है, बट जो फ्रेश वाटर है यानी कि जिसको हम यूज कर सकते हैं खाने के लिए पीने के लिए, ठीक है, तो वो सिर्फ 3% है। एंड उसमें बोला है कि स्लाइटली ओवर टू थर्ड जो है उसमें से वो फ्रोजन है यानी कि ग्लेशियर्स है, ठीक है, और बाकी आइस कैप्स है। तो यानी कि जो हमारा पीने वाला पानी है वो बहुत ज्यादा कम परसेंटेज में है, इसलिए बोला जाता है कि वाटर को हमें सेव करना है। द रिमेनिंग अनफ्रोजन वाटर इज मेनली फाउंड एज ग्राउंड वाटर विद ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन प्रेजेंट अबव ग्राउंड ऑन द इन द एयर। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो हमारा 3% है उसमें हमारा पीने वाला पानी भी है और उसी में ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर जो है। तो फ्रेश वाटर में जो अनफ्रोजन वाले हैं, फ्रोजन वाले तो ग्लेशियर में आ जाएंगे जो जमे हुए होते हैं, बट जो अनफ्रोजन है वो आएगा हमारा ग्राउंड वाटर यानी कि जो हम नल से या टैप से निकालते हैं, ठीक है, तो वो ग्राउंड वाटर में आ जाएगा विद ओनली स्मॉल फ्रैक्शन, उसमें सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन है, 2/3 बोला कि भाई 3% है उसका भी 2/3 जो है वो ग्लेशियर में, तो कितना बचा, 1/3 ही तो बचा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 3% का भी 1/3 है हमारे लिए जो पीने के लिए प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रेश वाटर जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो वाटर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई कि हम जो खाने के लिए यूज करते हैं तो हमारी जो सारी चीजें हैं खाने की वो कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो इन सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इरिगेशन इज नेसेसरी टू ग्रो एनी क्रॉप एट ऑल, इन सम अदर एरियाज इट परमिट मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप टू बी ग्रोन और एनहेंस क्रॉप यील्ड। आपने देखा होगा कि भाई हम इंडिया में रहते हैं, बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहते हैं, जो बिल्कुल एकदम शहर वाले हैं, जो पैदा ही वहां होते हैं, उन्होंने खेती वगैरह नहीं देखी है, उनको नहीं पता होगा। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ज्यादातर इस चीज के बारे में जानते हैं कि भाई एग्रीकल्चर जो है हमारे, कभी धान होते हैं, गेहूं होते हैं, गन्ना होता है, चीनी होती है, सॉरी शुगर केन होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है, अब इसमें इरिगेशन जरूरी होता है, पानी लगाना जरूरी है, ठीक है, तो पानी लगाने से ही वो क्रॉप्स ग्रो करती हैं, अगर पानी नहीं लगाओगे तो सूख जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सूखा होता है, वहां बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है, कभी कभी बारिश से भी काम चल जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत रहती है। एक्वाकल्चर इज अ स्मॉल बट ग्रोइंग एग्रीकल्चर यूज ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर कमर्शियल फिशरीज में ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर यूजेस ऑफ वाटर। एक्वाकल्चर हम बोल सकते हैं कि फिशरीज जो है उनके लिए भी हमें वाटर चाहिए होता है, ठीक है, पानी के पॉन्ड से बनाने होते हैं, उसमें फिर मछलियां रहती है। एंड सेकेंड चीज है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एरिया जो है यानी कि इंडस्ट्रीज जो है उसमें वाटर की जरूरत होती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 22% ऑफ वर्ल्ड वाइड वाटर यूज इन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज जो है उसमें ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड का 22% वाटर यूज होता है। मेजर इंडस्ट्रियल यूजर इंक्लूड पावर प्लांट विच यूज वाटर फॉर कूलिंग और एज पावर सोर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे बनती है, पानी से बनती है, तो बोला है कि पावर प्लांट जो होते हैं वो पानी को यूज करते हैं, उससे फिर वहां पर लाइट बनती है। ओर एंड ऑयल रिफाइनरीज विच यूज वाटर इन केमिकल प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विच यूज वाटर एज सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये सारी है हमारी, जैसे ओर्स हो गई या फिर ऑयल निकालने की रेफिनरीज हो गई, वो भी वाटर का यूज करती हैं, उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं एंड कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं उसमें भी वाटर का यूज होता है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में भी पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड थर्ड वन इज हाउस होल्ड, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 8% ऑफ वर्ल्ड वाइड वाटर यूज इज फॉर हाउसहोल्ड पर्पस, क्योंकि भाई पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो लोगों का जो पानी का यूज है वो ऑलमोस्ट 8% है। दीज इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर, बाथिंग, कुकिंग, सैनिटेशन एंड गार्डनिंग, इसमें हमारी ये सारी चीजें आ जाती हैं, खाने बनाने में जितना यूज हो रहा है, कपड़े धोने में, नहाने में, ठीक है, एंड सैनिटेशन में, ये सारी चीजें हमारी हाउस होल्ड के अंदर आ जाएंगी, ठीक है।
एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर सोर्स कंजर्वेशन. आप देखो हमने वाटर सोर्स के बारे में देख लिया किस तरीके से हमें पैटर्न गिवन है, कहाँ कहाँ हमें अवेलेबल होता है, क्या क्या यूज होते हैं. अब हम उसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से सेव कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज देयरफॉर नेसेसरी नियरली 5,000 क्यूबिक किलोमीटर एनुअल ग्लोबल फ्रेश वाटर यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई एज कम्पेयर टू past consumption and this indicate that we are moving towards an era of serious water crisis. So, क्या बोला है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी का कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अब यहाँ पर आपको गिवन है 5,000 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो एनुअल ग्लोबल फ्रेश वाटर है जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको हाई यूज किया जा रहा है एज कम्पेयर टू पास्ट कंजप्शन की पहले जितना कंजप्शन होता था पानी का, जितना यूज करते थे उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हाई यूज किया जा रहा है. अब इट मीन्स की अगर हम मान ले कि पहले जो है पिछले कुछ सालों में अगर एक दिन का 100 लीटर पानी यूज हो रहा है, ठीक है, तो अब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक दिन का 500 लीटर पानी यूज हो रहा है और इससे भी शायद ज्यादा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा तेजी से यूज हो रहा है. एंड ये चीज क्या इंडिकेट करती है, ये एक इंडिकेटर है कि हम एक ऐसे एरा की तरफ जा रहे हैं जो एक बहुत ही सीरियस वाटर क्राइसिस देखने को हमें मिल सकता है उस टाइम में. ठीक है, बोलते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी हमें छोड़ना है क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है जिस तरीके से हम लोग वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज इंक्लूड नेचुरल डेफिशिट, ओवर कंजप्शन बाय एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड इनएडिक्वेट फंड फॉर प्योरिफाइंग एंड डिलीवरिंग गुड वाटर. कॉजेज क्या है, क्या वजह है शॉर्टेज की, कि वाटर की कमी क्यों हो रही है. सो नेचुरल डेफिशिट होते हैं कुछ कुछ, ओवर कंजप्शन होता है एग्रीकल्चर के द्वारा या फिर इंडस्ट्रीज के द्वारा, या फिर इनएडिक्वेट फंड होता है कि जिसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको अच्छा वाटर बनाने के लिए. मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ रिवर वाटर होता है उसको अगर हम लेते हैं 5 लीटर, तो अगर हम उसको प्योरीफाई कर रहे हैं तो 5 लीटर में से अगर 4 लीटर बच रहा है तो इट मीन्स कि हमारा 1 लीटर जो है वो वेस्ट हो गया. ठीक है, तो ओवर कंजप्शन भी हो रहा है, कुछ नेचुरल डेफिशिट भी है, इस वजह से वाटर की शॉर्टेज हो रही है. सम एंशिएंट इंडियन मेथड ऑफ वाटर कंजप्शन, वाटर को कंजर्व करने के पहले क्या मेथड यूज किए जाते थे. फर्स्ट वन है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, छतों के ऊपर जो पानी को हार्वेस्ट किया जाता था, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये तो हम लोग आज भी करते हैं, कहते हैं बारिश का पानी जो होता है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है तो उसको सेव करके रख लेते हैं लोग. बारिश जब होती है तो कुछ चीजें हमने कंटेनर वगैरह बकेट वगैरह रख दिए ताकि उसमें पानी इकट्ठा हो जाए और उसको हम वैसे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी काम में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गई. इस तरीके से हम वाटर को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कुछ आपको गिवन है वाटर के बारे में कि किस तरीके से हम उसको सही से यूज कर सकते हैं. इफ यू आर टेकिंग अ शावर डोंट वेस्ट कोल्ड वाटर व्हाइल वेटिंग फॉर हॉट वाटर टू रीच द शावर हेड. जैसे अगर मान लो सर्दी है तो हम क्या करते हैं, विंटर्स में क्या होता है, हमें गर्म पानी चाहिए होता है. ठीक है, तो अगर हम शावर ऑन करते हैं तो पहले उसमें ठंडा पानी आता है. ठीक है, तो थोड़ी देर उसको चलने रहने दिया कि भाई गर्म पानी आ जाए उसके बाद लेंगे, है ना, तो ये क्या हुआ, वेस्टेज हो गई वाटर की. या फिर अगर हम समर की बात करें तो समर में क्या है, समर में पानी पहले गर्म आता है, हमें चाहिए होता है ठंडा, तो हम क्या करते हैं पहले उसको निकलने देते हैं कि भाई थोड़ा सा जो गर्म गर्म है वो निकल जाए, तो उसको वेस्टेज हो रही है पानी की. तो इस तरीके से कि भाई अगर हमें ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, उसकी वजह से हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. टर्न ऑफ द वॉटर व्हेन ब्रशिंग योर टीथ, वॉशिंग योर फेस, शेविंग एक्सेट्रा. बहुत छोटे क्लासेस में ये चीजें आपको बताई जाती हैं, बट आई डोंट थिंक कि कोई भी इन चीजों को मानता है सही से. जब भी आप अपने टीथ ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मैं पर्सनली ऐसा ही करती हूँ, जब भी मैं ब्रश करती हूँ तो टैप हमेशा ऑफ रहती है. ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई जब दांत मांज रहे हैं और टैप चल रही है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रही है वाटर की. या फिर आप अपना फेस वॉश कर रहे हो एंड वहां पर पानी चल रहा है, तो उस चीज को हमें रोकना है. या फिर शेविंग कर रहे हैं, मान लो शेव कर रहे हैं कोई भी खड़े हुए मिरर के सामने और पानी चल रहा है, तो इस तरीके से क्या है कि पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है, वाटर वेस्ट हो रहा है, तो हम उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जब हमें जरूरत है हम ऑन कर लेंगे. टेक शॉर्टर शावर. अब ये तो मतलब ये है कि भाई आपको जितना पानी चाहिए है उतना नहीं लो, बट
कोशिश करो कि वेस्ट ना करो, ठीक है. दिस विल सेव बिटवीन 5 and 10 gallons ऑफ वाटर पर मिनट. अगर आप 5 मिनट नहाते हो, ठीक है, 5 मिनट शावर लेते हो, तो अगर आप 5 से 6 मिनट शावर लोगे तो यहाँ पर 5 से 10 gallons वाटर वेस्ट हो जाएगा. तो अगर आप 5 मिनट ही नहाते हो, यानी कि अगर आप 1 मिनट भी कम नहाते हो, तो इतना पानी बच सकता है. तो हमें जितना जरूरत है हम उतना यूज करेंगे, उसको ज्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे और कम करने की भी कोशिश करेंगे. When washing dishes, we use a full sink of water instead of running the faucet continuously. जैसे बर्तन धोने होते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई जो सारे गंदे बर्तन हैं, पानी वहां पर चल रहा है कंटिन्यूसली एंड हम उसको धो रहे हैं, उसमें ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है. क्या करा, वॉश जो करनी है हमें, उसके लिए थोड़ा सा पानी हमने इकट्ठा कर लिया, सिंक में इकट्ठा कर लिया, किसी भी एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया, एंड देन उससे अगर हम धोएंगे तो वहां पर पानी बहुत ज्यादा कम वेस्ट होगा, ठीक है. जब भी देखा होगा आप लोगों ने, पानी की कमी होती है तो बर्तनों को इसी तरीके से धोया जाता है कि हमने किसी एक चीज में करके ले लिया पानी एंड उससे सारे धो रहे. बट हमेशा की अगर हम बात करें तो यही होता है कि पानी चल रहा है एंड हम उसको धो रहे हैं, ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं, जो वेस्टेज है उसको कम कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा एंड कोशिश करोगे वाटर को सेव करने की. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फॉरेस्ट एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पूरा टॉपिक आपका यही है. सो आज की वीडियो में हमने देखा है वाटर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेस्ट एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आज की वीडियो में आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इंट्रोडक्शन देखा, किस तरीके से हम पानी को सही से यूज करेंगे, वाटर रिसोर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें गिवन है, यूटिलाइजेशन यानी कि यूजेस क्या क्या होते हैं एंड वाटर को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं. सो ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.